ये देखें जी बबल्स आना शुरू हो गए हैं इस स्टेज पर भी आपने। ये देखें जी पुलाव तैयार हो चुका है, मज़ेदार सा पुलाव तैयार है बस अब जो है। हमारी होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी बन रहा है ये कबाबों के लिए, मैंने गोश्त जो है पकने के लिए रखा हुआ था, ये तकरीबन गोश्त गल चुका है, बस इसका जो पानी ड्राई हो जाता है तो बस कबाब बनाती हूँ। साथ ही मैंने ये देखें जी साथ ही मैंने यखनी भी पकने के लिए रखी हुई है, और आज 10 मुहर्रम है तो बस उसी की तैयारी हो रही है। और ये देखें जैसे ही यखनी तैयार होती है तो मैं चावल वगैरह बनाती हूँ, साथ साथ आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। एक शॉपर लगाई है, उसके बाद कबाब रखे हैं, फिर एक शॉपर लगाई है, फिर कबाब रखे हैं, तो इस तरह से ये होगा कि आपस में चिपकेंगे नहीं, अब आसानी से निकल जाएंगे। तो बस ये भी तैयार हो गए हैं, अभी पुलाव की तैयारी करती हूँ बनाने की, और फिर जैसे ही बन जाती है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चखनी तैयार हो चुकी है, और अभी मैंने जो है प्याज फ्राई करने के लिए रखी है, ऑयल पहले गर्म किया, उसके अंदर 2 बड़े साइज़ की प्याज जो है काट के मैंने डाली है, साथ ही गरम मसाला डाला है। गरम मसाले में बादियान का फूल है, लौंग है, इलायची है बड़ी वाली इलायची, और काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, जायफल जावित्री है, और ज़ीरा है। ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको जो है इतनी देर फ्राई करूँगी कि प्याज ब्राउन कलर की हो जाएगी, और जैसे ही प्याज ब्राउन होती है हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखिए जी यखनी मैंने पहले तैयार कर ली थी, और यखनी जब मैंने तैयार करने के लिए रखी थी तो इसके अंदर भी मैंने गरम मसाला ऐड किया था, साथ ही इसके अंदर लहसुन ऐड किया था, साबुत लहसुन के जवे जो होते हैं उनको ऐड किया था, और इसके अलावा साबुत धनिया और सौंफ को ऐड किया था, और उसके बाद हमने यखनी को बना लिया है इस तरह से। तो गोश्त हमारा हो चुका है तैयार, गोश्त गला हुआ है, तो बस अब जो है जैसे ही मसाला बनता है तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद गोश्त इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ये प्याज हल्की सी जो है ब्राउन होना शुरू हो गई है, अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। के अंदर गोश्त ऐड करेंगे और उसको साथ के साथ भूनते रहेंगे। ये देखिए जी गोश्त जो है भुनने लगा है, और मैंने जो है हड्डियाँ जो थी इसकी वो मैंने इसको अलग साइड में कर दिया, अभी मैं इसके ऊपर से भी गोश्त हटा लूँगी क्योंकि चावलों में फिर चावल ख़राब करेंगी, और साथ ही दही है, दही के अंदर पिसी हुई मिर्चें हैं, हरी मिर्चें पीसी थी, और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं आलू बुखारे, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। नमक जो है यखनी के पानी में भी है, और बाकी ये कि आपको अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है इसमें, क्योंकि यखनी का पानी जो है जब चावल बनेंगे तो यखनी का पानी ऐड होगा। अब मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। ये देखिए सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन आपने अपने हिसाब से ऐड करना है क्योंकि हमने यखनी में भी जो है सॉल्ट डाला है, तो यखनी का पानी चावलों में ऐड होगा, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो बस ये अच्छे से इसको भून लेते हैं, जैसे ही ये दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो हमारा ये मसाला हो जाएगा पुलाव वाला तैयार। अच्छा जी एक ये बात आप ख्याल रखिएगा कि अगर आप लोगों ने सिर्फ यखनी पुलाव खानी है जिसके अंदर मिर्चें ना हो, तो फिर आपने जो हरी मिर्चें मैंने पीस के डाली हुई हैं पिसी मिर्चें, तो वो आपने नहीं ऐड करनी है, और बाकी सारी चीज़ें सेम इसी तरह से होंगी सिवाय हरी मिर्चों के, हरी मिर्चें आपने ऐड नहीं करनी है। ये देखिए भुन चुका है, अब हम इसके अंदर यखनी को ऐड करेंगे, जितनी हमने यखनी ऐड करनी है चावलों के साथ से बस उतनी ही डालिएगा, बाकी ये है कि अगर आप ज़्यादा यखनी ऐड कर लेंगे तो आपके चावल टूट भी सकते हैं। तो बस अभी मैं इसमें थोड़ी सी यखनी ऐड करूँगी, इसको एक उबाल आने तक पकाऊँगी, और इतनी देर में मेरे चावल भी जो हैं मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिए थे वो इसके अंदर ऐड करूँगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें अभी मैंने इतनी यखनी ऐड की है, बाकी मैं जब चावल डालूँगी मुझे ज़रूरत लगेगी कि और यखनी डालनी है तो फिर मैं उसमें ऐड कर लूँगी। अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ, और जैसे ही चावल ये इसमें एक उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर हम चावल ऐड कर लेंगे, कि चावल मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिए थे।
ये देखिए जी बबल्स बन चुके हैं और अब मैं इसके अंदर चावलों को ऐड कर रही हूँ। चावल मैंने लिए हैं 5 कप चावल मैंने लेके 1 घंटे पहले भिगो दिए थे, तो बस अब इसके अंदर चावलों को डाल के फिर जैसे ही चावलों का पानी ड्राई हो जाएगा उसको दम पे रख देंगे। ये देखिए चावल मैंने डाल दिए हैं, अब इसको जो है मैं ढक देती हूँ जब तक इसके अंदर बबल्स बनना शुरू होंगे और इसका पानी ड्राई होने लगेगा, तो फिर हमने इसको हल्की आंच पे दम पे रखना है। नमक आपने इस स्टेज पे चेक कर लेना है। ये देखिए जी बबल्स आना शुरू हो गए हैं, इस स्टेज पर भी आपने एक बार फिर नमक को चेक करना है। ये देखिए जी इस स्टेज पर हमने जो है इसको दम पे रख देना है हल्की आँच पर 15 मिनट के लिए। चावल हमारे तैयार हो गए होंगे। ये देखिए जी मज़ेदार सी पुलाव तैयार हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए जी पुलाव तैयार हो चुका है, मज़ेदार सा पुलाव तैयार है। बस अब जो है थोड़ा सा बांटना है, एक दो जगह पे भेजना है, वो भेजती हूँ और बाकी ये के बस खाना वगैरह खाते हैं। आज की वीडियो इतनी थी, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।